is to B proportion, C is to D, prove that this and this. दो पार्ट है इसमें, तो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब given A is to B proportion, C is to D, this implies we are supplied with this information. अब ये अगर true है तो हमें देखिए 2 और 5 चाहिए, तो थोड़ा मतलब guess हम लोग ये करेंगे कि हमें इसमें multiply करना है 2 by 5, multiply by 2 by 5 on both sides, तभी equality hold करेगी. 2a, 5b, 2c, 5d. एक बार चेक कर लेते हैं, 2a, 2a, 2a सही है, 2c, 2c, 2c सही है, 5b, 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 5d, 5d, 5d. यानी जो यहां पर हमें चाहिए उसके जैसा कुछ तो हम लोगों ने कर लिया है. थोड़ा और आगे देखते हैं. अब यहां पर using componendo and dividendo. तो क्या हो जाएगा? 2a plus 5b divided by 2a minus 5b, 2c plus 5d divided by 2c minus 5d. लो भाई, हो गया. जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, तो हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव. यहां पर देखिए ये सारे स्टेप्स के जितने नंबर हैं उतने ही नंबर रीजंस लिखने के हैं, इसलिए ये रीजन लिखने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और पूरा लिखें. अब लेकिन क्योंकि ये मैं पूरा अच्छे से लिख चुका हूं, तो मैं तो भाई यहां पर कंजूसी थोड़ी करूंगा. ठीक है, तो गिवन a by b is equal to c by d. अब मल्टीप्लाई जहां 2 by 5 से किया था यहां 5 by 11 से करना है, तो 5a 11b is equal to 5c 11d. ये हो जाएगा. अब फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लेंगे, तो 5a plus 11b 5a minus 11b 5c plus 11d 5c minus 11d. लेकिन जो हमें प्रूव करना था वो अभी नहीं आया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यूजिंग अल्टरनेंडो कर लेंगे. तो अल्टरनेंडो क्या करेगा, इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर देगा. तो अब जो चाहिए वो दिखाई देना शुरू हो चुका है, 5c plus 11d, 5a minus 11b, 5c minus 11d. देखिए plus plus, minus minus, plus plus, minus minus. तो बस अब hence proved. जो ये सारे reason थे वही यहाँ पे भी होंगे, बस यहाँ पे एक step और आगे हम लोग बढ़े कि हम लोगों ने alternando किया. If a is to b, ratio c is to d, prove ये करना है हमें, फिर ये करना है. तो given हमें क्या है, given a by b is equal to c by d. अब हम क्या करें, यहां 2 और 3 है, तो यहां लिख देते हैं multiply by 2 by 3 on both sides. तो ये हो गया 2a by 3b is equal to 2c by 3d. अब कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लेंगे, 2a plus 3b divided by 2a minus 3b is equal to 2c plus 3d divided by 2c minus 3d. यहां पे रीजन जरूर लिखेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो.
अब कुछ खास नहीं है, जो लिखा होगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रूव करना है वो दिखाई देने लगेगा, 2c-3d और 2a-3b, 2c+3d, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब यहां पर 2, 3 जैसे लिखा है उसी तरह एल और एम है जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो मल्टीप्लाई करने हैं, फिर से वही शुरुआत, गिवेन a/b इज इक्वल टू c/d, उसी तरह la/mb इज इक्वल टू lc/md। यहां हमें रीजन लिखना चाहिए कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय l/m। फिर अगला रीजन होगा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो la+mb डिवाइडेड बाय la-mb, lc+md डिवाइडेड बाय lc-md। तो अभी देखिए जो हमें रेशियो है वो प्लस प्लस एक साथ है, तो अब यहां पर एक और कर देंगे यूजिंग अल्टरनेंडो, यूजिंग अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, la+mb डिवाइडेड बाई lc+md इज इक्वल टू la-mb डिवाइडेड बाई lc-md। अब रेशियो मतलब यहीं पे हेंस प्रूव लिखना अच्छा नहीं होगा, इसे दोबारा कॉपी कर लें फिर हेंस प्रूव लिखें, la+mb रेशियो lc +md प्रोपोर्शन la-mb इज टू lc-md, ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम लोग लिख लेंगे हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमारा आंसर हो चुका है, अब दोनों प्रूव हो चुके हैं पार्ट। और अच्छा हाँ, यहाँ ये फोर्थ पार्ट था, सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians।